जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो किंग्स टाउन लाहौर के बारे में है। एक अच्छी न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किंग्स टाउन आज से तकरीबन को 1.5 से 2 साल पहले इस सोसाइटी को स्टार्ट किया गया था। अल-कबीर डेवलपर्स ने किंग्स टाउन को इसके नाम समेत बाय कर लिया था, क्योंकि किंग्स टाउन अगर आप LDA की वेबसाइट पे देखें तो LDA से मंजूरशुदा प्रोजेक्ट है। तो सोसाइटी ने इसका नाम तब्दील नहीं किया, इसी नाम से ये हाउसिंग सोसाइटी थी। अल-कबीर डेवलपर्स ने इसी नाम से इसको बाय किया और इसको एडवर्टाइज़ करके इसको सेल किया। तो सबसे पहले सोसाइटी ने जो अपनी डील दी थी वो ए ब्लॉक की डील थी। उसके बाद सोसाइटी ने सेक्टर ए को अनाउंस किया, जिसमें फाइल्स आपको प्रोवाइड की गई और यहाँ पे बैलेटिंग हो चुकी है और इंशाल्लाह जो इसका नक्शा है वो कुछ दिन तक, यहाँ समझ लें कि अगले महीने तक इंशाल्लाह नक्शा आ जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे जो डील चल रही है जो कि क्लोजिंग की तरफ है वो सेक्टर बी की डील थी। इसके अलावा डिफरेंट कोई कमर्शियल की डील्स भी आई वक्तन फवक्तन, सोसाइटी ने उसको लॉन्च किया, लोगों ने बाय किया, सोसाइटी अब डिलीवरी के मराहल पर चल रही है और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे डील्स आई थी उसी तरह इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको डिलीवर किया जाएगा। तो गुड न्यूज़ ये है अल्हम्दुलिल्लाह, सोसाइटी ने जो ए ब्लॉक का पोजेशन है, कब्जा है, वो अनाउंस कर दिया है। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हासिल किए थे जिसमें 3 और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स थे और डिफरेंट कमर्शियल थे जो कि नंबर के साथ मौजूद थे। उन तमाम लोगों को इंशाल्लाह अगले महीने अक्टूबर 2022 में कब्ज़ा दे दिया जाएगा। अब इसके लिए तरीक़ेकार क्या होगा वो ये है कि आपने 1 अक्टूबर 2022 से तमाम लोग जो कब्ज़ा हासिल करना चाहते हैं, जो कब्ज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, घर बनाना चाहते हैं या अपनी कमर्शियल प्लाज़ा कमर्शियल बिल्डिंग तमीर करना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर 2022 से वो एप्लीकेशन सोसाइटी के मेन हेड ऑफिस जो कि अल-कबीर टाउन फेज़ 1 में है जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह उस पर वर्किंग कम्प्लीट होने के बाद आपको जो कब्ज़ा है, पोजेशन है प्लॉट का, वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद सेक्टर ए का सोसाइटी ने कब्ज़ा अनाउंस कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जितना भी ऑन ग्राउंड एरिया आप देखते हैं किंग्स टाउन का, बाउंड्री वाल से पहले पहले या यूँ समझ लें कि गेट से लेके बाउंड्री वाल तक ये सारा एरिया ए ब्लॉक कहलाता है। इसके बाद जो डील आई थी वो सेक्टर ए था और इसके बाद जो डील अभी चल रही है और जो क्लोजिंग की तरफ है वो सेक्टर बी है, यानी कि बाउंड्री से इधर वाली जो साइड है वो सारा जो ए ब्लॉक कहलाएगा और बाउंड्री से जो दूसरी तरफ साइड है वो सेक्टर ए और सेक्टर बी की लैंड है। और वहाँ पर इंशाल्लाह जैसे ही सेक्टर बी की बैलेटिंग होगी उसके बाद डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो जाएगा। तो जितने भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं अगर रीसेल में कुछ ए ब्लॉक में हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई बुकिंग हासिल करना चाहते हैं तो सेक्टर बी में अवेलेबिलिटी है, नियर टू क्लोज है, इंशाल्लाह अनकरीब इसकी क्लोजिंग होने वाली है सेक्टर बी की, जिसमें 3 और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स हैं, 3 मरला 24 लाख टोटल प्राइस है, 2 लाख रुपये से बुकिंग है, 15,000 महीने की इंस्टॉलमेंट है, 5 मरला 40 लाख टोटल प्राइस है, 3 लाख रुपये से बुकिंग है और 30,000 महाना इंस्टॉलमेंट है। तो इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।